नमस्कार, मैं हूं गौरंग, आपको स्वागत करता हूं माइक गुरु में। और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजर अकाउंट डिटेल्स के बारे में। तो आप यूजर अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे, किस टाइप का यूजर अकाउंट है मैक में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको सिस्टम प्रेफरेंसेस ओपन करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं कि इधर आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं आप लोग सिस्टम प्रेफरेंसेस, अगर आपका डॉक पे नहीं है तो। तो फिर आपको जाना पड़ेगा यूजर एंड ग्रुप्स। तो क्लिक कीजिए यूजर एंड ग्रुप्स को, तो आपका आ जाएगा मेरा भी जो भी ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। मतलब अभी लॉगिन है करंट यूजर। करंट यूजर में जो लॉगिन होता है वो करंट यूजर में पहले प्रायोरिटी में रहता है। तो मेरा करंट लॉगिन यूट्यूब है और मेरा दूसरा एक अकाउंट है एपल अकाउंट, ठीक है। तो तीसरा है गेस्ट यूजर ऑफ कर रखा हूँ और गेस्ट यूजर ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, कोई आएगा मिनिमल यूज के लिए वो लॉगिन कर सकता है। गेस्ट में क्लिक करेगा तो तुरंत लॉगिन हो जाएगा, वो पासवर्ड जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के लिए गेस्ट यूजर इनेबल करना चाहते हैं किसी गेस्ट के लिए, तो आप इनेबल कर सकते हैं। तो कैसे आप ऐड करेंगे अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले ये लॉक सिंबल में क्लिक कीजिए, तो फिर आपके यूजर अकाउंट को जो एडमिन का अकाउंट है उसको देना पासवर्ड दे दीजिए। ये अनलॉक हो गया। फिर आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस सिंबल में क्लिक कीजिए। ये जो प्लस है याड अकाउंट कर लिए जी। तो प्लस कीजिए, प्लस करने से आपको आ जाएगा ये प्रेफरेंस ओपन हो जाएगा। तो फिर ये आपको आएगा डिफरेंट टाइप के अकाउंट कैसे आप कैसे करते हैं। तो पहले नेटवर्क अकाउंट में आकर एडमिनिस्ट्रेटर, अगर एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करके यहाँ पर अकाउंट करते हैं तो उस अकाउंट को फुल एक्सेस होगा सिस्टम में सब कुछ करने के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर था स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट। तो स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर अनलॉक किया मैंने पहले, तो ये स्टैंडर्ड यूजर का अकाउंट है। जहाँ पर भी ये लॉक का सिंबल आ जाएगा प्रोसीड करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप करने के लिए, वहाँ पर स्टैंडर्ड यूजर को अलाउ नहीं होता है। तो फिर आ गया मैनेज विद पैरेंटल कंट्रोल। अगर इस अकाउंट करके यहाँ पर आप एज रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, कितना आपका किस अकाउंट में किस एज, मतलब मान लीजिए आप कोई लड़का बच्चा है तो वो यूज करना चाहते हैं, आपका बेटा या लड़की जो भी है यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अभी यूज कर सकते हैं। तो एज लिमिटेशन दे सकते हैं। और ये करने के बाद क्या होता है कि आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन आप कुछ भी कन्फिगर, मान लीजिए सिर्फ कोई भी ब्राउजर बन जाएगा, फिर दिस दो गेम इंस्टॉल है तो मेरा लड़का खेलना चाहता है तो वो दो गेम ही खेलेगा। उस यूजर अकाउंट में लॉगिन करने के बाद बस वो दो यूजर अकाउंट को ही एक्सेस, दो गेम को ही एक्सेस होगा क्योंकि वो प्ले कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब जो आप एक्सेस देंगे, मुझे गेम के सिवा और एक कुछ भी एक्सेस दे सकते हैं कि ये मेरा टाइपिंग मास्टर है या कुछ बुक है, कुछ सब बुक है उसको रीड करना चाहता है, इस फोल्डर को रीड करना चाहता है, तो वो सब वो कर पाएगा। मतलब आपको आप स्पेसिफिक परमिशन दे सकते हैं। फिर आ गया शेयर अनलिमिट। शेयर अनलिमिट क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए आपका सिस्टम कोई भी नेटवर्क पे यूज हो रहा है, वहाँ पर मल्टीपल यूजर है, आप चाहते हैं कि एक फोल्डर है जो कि सब एक्सेस करें, वहाँ पर डेटा रख सकते हैं। डेटा कॉपी एंड डेटा देने के लिए कर सकते, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं या डेटा डाउनलोड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं उस फोल्डर को। तो ये आपका आ जाएगा शेयरिंग अकाउंट में। बट उस शेयरिंग अकाउंट के लिए आप एक नेटवर्क पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें कि मल्टीपल यूजर उस एक फोल्डर को इस शेयरिंग आईडी पासवर्ड से उस स्पेसिफिक फोल्डर को एक्सेस करके डेटा रख सकते हैं। फिर आता है ग्रुप। ग्रुप ही अकाउंट है। अगर इसे ग्रुप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें मल्टीपल यूजर लॉग इन कर सकते हैं इन द नेटवर्क, एक नेटवर्क पे होना चाहिए, सेम थिंग शेयरिंग ऑनली, बट इसमें ग्रुप यूजर के एक ही यूजर अकाउंट को सबको लॉगिन कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ एडमिनिस्ट्रेटर, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर में कैसे एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना आ गया था, कैसे मैं ऐड करना। तो पहले नेटवर्क टाइप पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सिलेक्ट किया, तो फिर यहाँ पर मैंने नाम दिया फॉर यू, फुल नेम फॉर यू, बट अकाउंट नेम जो टाइप करेंगे तो अकाउंट नेम में क्या होता है कि आपको यूजर प्रोफाइल में स्पेस नहीं लेता है, उसको स्पेस आप नहीं रख सकते आपको लगता है। तो फॉर यू ये यूजर अकाउंट मेरा हो गया। फिर पासवर्ड में देते हैं, फिर वेरीफाई के लिए दोबारा पासवर्ड दे दीजिए आपके से। अगर चाहिए कि हिंट से, अगर चाहते हैं कि आप भूल जाते हैं पासवर्ड, तो आप हिंट से में आपको रिमेंबर रह जाएगा। मान लीजिए कि 10 दिन 15 दिन आप सिस्टम यूज नहीं किए तो आप पासवर्ड भूल जाएंगे, तो उसके लिए हिंट्स देंगे तो आपको याद आ जाएगा। मान लीजिए मेरा पासवर्ड दें उसके आगे कुछ समथिंग दिया हूँ, तो ये हिंट्स है तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद अगर हिंट्स पूरा जो पासवर्ड है, अगर ये पूरा जो पासवर्ड अगर ये दे देंगे तो सबको पता चलेगा लॉगिन करना। तो हिंट्स में आप दे सकते हैं, जैसे आप गेस कर सके दूसरे को गेस ना करता, तो करके हमने हिंट्स दे दिया। फिर आता है क्रिएट यूजर। तो यहाँ पर हो गया क्रिएट यूजर, ये हो गया आपका, हो गया फॉर यू एडमिन अकाउंट जो मैक ने बनाया था वो तो क्रिएट हो गया। तब चाहते हैं कि इस अकाउंट का डिलीट कैसे करें, मान लीजिए कि मेरा तीन अकाउंट है, तब चाहते हैं इस अकाउंट को डिलीट कैसे करें, ठीक है। ये अकाउंट सिलेक्ट कीजिए, मान लीजिए पहले ओपन करेंगे तो ये लॉक होगा, तो इसको अनलॉक कर दीजिए।
इन लोग हो गया, फिर सिलेक्ट कीजिए फॉर यू, ध्यान से ये सिलेक्ट करना किससे काम, मान लीजिए ये अकाउंट करके सिलेक्ट करेंगे तो ये डिलीट हो, तो फॉर यू मैंने डिलीट किया था, टेम्परेरी क्रिएट किया था, तो चाहता हूँ कि उसको मैं डिलीट करूँ, तो फॉर यू को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर माइनस में क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन आता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आता है कि जो डिफॉल्ट सेव होता है, जो डिफॉल्ट आपका सेव होता है, सेव द होम फोल्डर इन डिस्क इमेज, मतलब जो डिस्क इमेज जो होता है आपका, जो डेटा जो होम फोल्डर, यूजर प्रोफाइल का जो होम फोल्डर होता है जहाँ पर उसका सारा डेटा रहता है, वो क्या होगा कि एक इमेज होकर रह जाएगा आपका सिस्टम में, चाहे तो उसको बैकअप कर सकते हैं, आपका यूजर लॉग इन के लिए नहीं रहेगा इस सिस्टम में, बट आप डेटा उसका रह जाएगा, इमेज होकर रह जाएगा। फिर सेकेंड ऑप्शन होता है डोंट चेंज द होम फोल्डर, अगर ये सिलेक्ट करके आप डिलीट करते हैं तो क्या होगा, इसमें आपका यूजर जो है डिलीट हो जाएगा, आपको लॉगिन करने टाइम में आपको यूजर प्रोफाइल शो नहीं करेगा, बट ये आपका जो डेटा है, यूजर है, जो हार्ड डिस्क में आपका जो यूजर्स होता है, यूजर्स के अंदर उसका होम फोल्डर जैसे था आपको ऐसे ही रहेगा, जैसे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड म्यूजिक पिक्चर जो भी रहता है उससे में एग्जैक्ट हो जाएगा, बट आपको लॉगिन कर नहीं देगा। फिर थर्ड ऑप्शन होता है डिलीट द होम फोल्डर, अगर आप चाहते हैं किसी यूजर प्रोफाइल को कम्प्लीटली डिलीट करना चाहते हैं कि उसका कोई भी डेटा ना रहे, सब कुछ इरेज हो जाए, तो आप ये सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये फोल्डर, ये यूजर अकाउंट मुझे नहीं चाहिए, तो उसको मैं डिलीट करता हूँ, ये हो गया डिलीट, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।